गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और हम सब भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरा सुबह का क्लीनिंग का सारा काम हो गया था। उसके बाद नहा कर जो है मैं रेडी होकर आ गई हूँ किचन में। तो ये सुबह के चाय के बर्तन थे जो धुल के रखे थे, तो वो सबसे पहले मैं अरेंज कर देती हूँ और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी लंच। आज अभी मेरा लंच नहीं बना है, आज मैं नहाने के बाद जो है लंच बना रही हूँ, क्योंकि आज लंच में बनने वाला है राजमा चावल। तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कि ज़्यादा टाइम लगेगा या किचन में रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मियों में रोटी बनाने की, क्योंकि उसमें एक तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और दूसरा किचन जो है बार बार गंदा होता है। तो मैंने कहा चलिए अपने क्लीनिंग के सारे काम निपटा लेती हूँ, नहावा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से जो लंच है मैं बनाऊँगी। और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा सा था, सुबह से इतनी ज़्यादा जो गर्मी है वो नहीं हो रही थी। तो देखिए, ये राजमा मैंने भिगो कर रखे हुए थे और ये वाइट वाला राजमा है, रेड वाला नहीं है। तो बस उसको अच्छे से दो तीन बारी धुलकर मैंने रख दिया है और अब कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो ले लिया था और बस इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। और राजमा मैंने बॉईल नहीं किया है, बिना बॉईल किए ही मैं इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ। अब बहुत ही आसानी से बन जाती है और जितना टाइम हमें बॉईल करके बनाने में लगता है ना, उतने ही सीटी में जो है ये बन जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जो पेस्ट था वो बना लिया था, उसके बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो गया, उसमें मैंने जीरा डाला, हींग डाली, जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज टमाटर का वो डाला है, और बस इसमें जो सब्जी के मसाले होते हैं वो सारे मसाले ऐड कर देंगे, जो भी हम नॉर्मल सब्जी में डालते हैं बस वही सारे मसाले हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढककर जो है लो फ्लेम पर पकने देंगे, जिससे कि जो ऑयल है वो मसालों से अलग हो जाए। और थोड़ी देर में देखिए हमारा कितना बढ़िया से मसाला जो भुनकर है वो हो गया है रेडी। और अब इसमें हम डाल देंगे अपना जो राजमा है सोक किया हुआ वो। ये जो आप मिट्टी का देख रहे हैं ना, ये मैंने निकाला था, मेरे पास रखा था काफ़ी टाइम का, बट मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो ये मैंने निकाला था कि मैं इसमें जो है दही जमाया करूँगी। इस तरह के बर्तन में दही काफ़ी अच्छा बनता है, बट इसमें ना मैं जब भी इसको धुलती हूँ ना, तो इसमें काफ़ी कलर निकलता है, तो इस वजह से अब तक मैंने इसमें दही नहीं जमाया कि कहीं दही बेकार ना हो जाए पूरा रेड रेड। तो अभी इसको मैं वैसे ही यूज़ कर रही हूँ, देख रही हूँ कि शायद दो चार बारी अच्छे से धुल जाए तो शायद इसका जो कलर है वो निकलना बंद हो जाए, उसके बाद फिर मैं देखूँगी। तो अभी तक तो इसमें मैंने दही नहीं जमाया है, जब भी जमाऊंगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी, बट अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि वो दही जमाने लायक है, क्योंकि काफ़ी कलर जो है वो छोड़ता है। तो यहाँ पर जो सब्ज़ी थी वो बनने के लिए रख दी थी, उसके बाद मैंने मिर्च कट कर ली बीच में से फ्राई करने के लिए। और ये पैन ना कल का रखा हुआ है, कल शाम को अभी ने पापड़ बनवाए थे, काफ़ी ज़िद कर रहा था तो इसी में मैंने उसके लिए सेक दिए थे, तो मैंने छोड़ दिया था कि सुबह किसी न किसी काम आ जाएगा। तो इसमें मैंने सोचा चलिए ये मूंग की दाल वाले जो पापड़ हैं वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। वैसे आपने देखा होगा मैं फ्राई नहीं करती हूँ, रोस्ट करती हूँ तवे पर, बट ऑयल था तो मैंने कहा चलिए फ्राई कर लेती हूँ। तो चार पांच पापड़ मैंने फ्राई कर लिए, उसके बाद हरी मिर्च थी वो भी मैंने फ्राई कर ली, और इधर जो सब्ज़ी थी उसमें एक सीटी आ गई थी, तो बस दो सीटी उसमें मैं और लगाऊंगी। और इधर जब तक मैंने अपने चावल वगैरह देख कर धुल कर रख लिए थे, और बस चावल भी मैं रख देती हूँ, तो चावल को मैं जो है फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर ले लिया है कुकर में, और जैसे ही वो गर्म हो गया उसमें मैंने जीरा डाला है और दो इलायची और चार लौंग डाली हैं, और उनको हल्का सा हम पहले भून लेंगे, और उसके बाद जो चावल हमने धुल कर रखे हुए हैं वो डाल देंगे। चावल डालने के बाद अच्छे से करेंगे मिक्स, और उसके बाद डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी चावल लिया है और उसके हिसाब से 3 कटोरी मैं यहाँ पर पानी डाल दूँगी, तो हमारा चावल एकदम बढ़िया बन जाता है, खिला खिला। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि कूलर चल रहा है, बच्चे सो रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है वॉइस आ रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो बस जो चावल थे वो भी मैंने यहाँ बनने के लिए रख दिए हैं, और तब तक ये थोड़ा बहुत जो सामान इधर उधर फैला हुआ है इसको जल्दी से मैं समेट देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि बस और तो कोई जो है गंदगी हुई नहीं है, रोटी वगैरह तो बनी नहीं है, तो जो ज़्यादा है किचन गंदा नहीं हुआ है, सुबह मैंने क्लीन किया ही था। तो बस थोड़ा थोड़ा सा साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन कर दूँगी, जो सामान है वो सारा मैं लगा दूँगी, और बस यहाँ पर हमारा
थोड़ी देर बाद हमारे जो चावल थे वो भी देखिए बन गए हैं। अभी थोड़े से गर्म हैं तो खोल दिए हैं, थोड़ी देर में एकदम बढ़िया खिले खिले हो जाते हैं। और हमारी जो सब्जी है वो भी बन गई है, देखिए कितनी बढ़िया से हमारी जो सब्जी बनी है। और जो राजमा है वो भी काफ़ी अच्छे से गल गया है, मैंने सिर्फ 3 सीटी लगाई थी और देखिए 3 सीटी में ही जो राजमा था बहुत अच्छे से गल गया है, बहुत ज़्यादा गर्म था। तो बस यहाँ पर हमारी लंच की थाली रेडी है, क्योंकि हस्बैंड रेडी हैं तो उनके लिए मैंने थाली लगा दी है। पापड़ हैं, सब्जी है, चावल है, फ्राई की हुई मिर्च हैं और प्याज है। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा लंच और कोई हो सकता है, बहुत जो है सभी का फेवरेट वाला लंच होता है ये। तो बस हस्बैंड को जो है मैं खाना दे आती हूँ, खाना खा कर फिर वो जाएंगे ऑफिस। और हस्बैंड को खाना देने के बाद जो है बच्चे चले गए थे नहाने के लिए, तो फिर उनको मैंने नहलाया। हस्बैंड खाना खा कर चले गए हैं ऑफिस और बस यहाँ पर अभी को कर देती हूँ तैयार। तो वो रो रहा था, पता नहीं किस चीज़ के लिए, मुझे याद नहीं है, काफ़ी तेज़ रो रहा था। तो बस वही मैं उसको मनाने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ उसके जो हेयर हैं वो कर रही थी कॉम। और इसके बाद ना फिर कोई भी व्लॉग वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अब 21 जून उनसे जो है बाबू के जो स्कूल हैं वो हो जाएंगे स्टार्ट। तो उसका कुछ हॉलीडे होमवर्क रह गया है, मेरे ही फ़ोन में उसका सब कुछ होता है, तो बस वो उसमें करती रही। तो फिर दिन में मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया और फिर थोड़ी देर हम लोग सो गए। और अभी आप देख सकते हैं शाम के 5 बजे के करीब हम लोग उठे थे। और दिन में अगर मैं सो जाऊँ तो मेरा यही हाल रहता है, वो दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया कि आप सभी को पता है दिन में मैं सोती नहीं हूँ, लगी ही रहती हूँ काम में, किसी न किसी में, किसी न किसी में। बट अगर मैं सो जाऊँ ना तो इस तरह से मेरा हाल हो जाता है, फिर मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है, इतना आलस हो जाता है ना, और ऐसा लगता है कि बीमार से हो गए। तो यही मेरा हाल रहता है। बट अभी यह है गर्मियों में इतना ज़्यादा दिन में काम तो नहीं होता है, फ्री ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी बैठे बैठे अपना या तो एडिटिंग वगैरह करती हूँ या कुछ ना कुछ मतलब करती ही हूँ। सोती जो है मैं बहुत कम हूँ दिन में, पटास हो गई थी ना तो एकदम पूरा बॉडी जो है आलसी में आ गई थी। और उसके बाद फिर जो है बच्चों को भी मैंने आराम से उठाया, फिर पूरा बेड वगैरह सेट किया और थोड़ी देर बाद फिर अभी ने ज्यों का त्यों कर दिया था। फिर मैंने जो है शाम की झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। ये बर्तन मैंने धुल के रखे थे और साथ में बॉटल भी धुली थी, तो बस इनको मैं भर कर रख देती हूँ, क्योंकि खाना वगैरह खाएंगे शाम को तो ज़रूरत पड़ेगी। वैसे कुछ बोतल रखी हुई हैं और एक दो दिन में मैं बॉटल क्लीन करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से क्लीन करती हूँ। पहले मेरे पास कई कमेंट आए थे, दीदी आप बॉटल किस तरह से क्लीन करते हो, तो वो मैं जब भी करूँगी ना तो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी घर से आने के बाद मैंने क्लीन की थी बट मुझे याद ही नहीं रहा आपके साथ शेयर करने के लिए। वैसे तो धोती डेली हूँ बट अच्छे से अंदर से जो है कुछ दिनों में क्लीन करती हूँ तो पूरा अंदर से एकदम क्लीन हो जाता है, बिना कोई ब्रश, बिना किसी उसके मेहनत के। तो बस यहाँ पर बॉटल जो थी वो मैंने भर के रख दी और उसके बाद ये बर्तन जो थे इन्हें भी मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ। और सब्जी जो है सुबह की रखी हुई है राजमा, तो देखते हैं कि क्या बनना है क्या नहीं, अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है। और कल ना हस्बैंड से मेरी एक चीज़ के लिए काफ़ी बहस होती रही और बहुत ज़्यादा जो है मैं उन्हें मना कर रही थी एक काम के लिए, वो क्या है वो जब हस्बैंड आ जाएंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहाँ पर बर्तन वगैरह सारे मैंने अरेंज कर दिए। उसके बाद बाबू की फरमाइश थी कि उसको पीना है मैंगो शेक, और मैंगो शेक तो बस डेली ही उसकी फरमाइश रहती है, उसको इतना पसंद है। मैंने कहा चलिए बना देती हूँ, तो 2 ग्लास मैंने बनाए थे बाबू और हस्बैंड के लिए, मैंने अपने लिए नहीं बनाया था क्योंकि दूध इतना नहीं था। और मैं तो पी ही लेती हूँ घर पर होती हूँ, हस्बैंड जो है ज़्यादातर रह जाते हैं। मैंने कहा चलिए आज हस्बैंड के लिए बनाते हैं, और जब मैं बना ही रही थी तो इतने में हस्बैंड भी आ गए थे। देखिए कितना टेस्टी हमारा जो मैंगो शेक है वो बनकर हो गया है तैयार। इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ जो मैंगो था वो ऐड किया, और हस्बैंड आ गए तो 1 गिलास बाबू को दे दिया और 1 गिलास जो है मैंने हस्बैंड को दे दिया है। मैंने जो है फिर बाद में अपना जो है तरबूज खा लिया था। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड आप देख सकते हैं इसी चीज़ के लिए इतनी जो है बहस हुई थी कल। हस्बैंड कह रहे थे कि गर्मी लगती है तो बाल जो हैं वो कटवाने हैं, मैंने उन्हें काफ़ी मना किया कि नहीं अच्छे नहीं लगते हैं आपके ऊपर, और वो मान भी गए थे बट शाम को वो चले गए और कटवा कर आ गए। तो इस चीज़ के लिए ना काफ़ी जो है कल बहसबाजी हो गई थी, मैंने बहुत मना किया बट वो नहीं माने। तो देखिए कुछ इस तरह के जो है लग रहे हैं, उनका जो फेस है थोड़ा भारी है ना, तो उनके ऊपर इस तरह से कटे हुए बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, बट वो नहीं माने।
तो मैंने कहा चलिए अब जो है सो है। पहले भी एक बार उन्होंने कटवाए थे तो काफ़ी दिनों में जो है उनके बाल सही हो पाए थे, और फिर जो है उन्होंने कटवा लिए। बहुत जो है मैं मना की बट वो नहीं माने। देखिए यहाँ पर मैंने हस्बैंड को दे दिया था मैंगो शेक, और ऑफिस से आए थे ना तो देखिए वो ये ले आए थे पानी पूरी साथ में आलू टिक्की। ऑफिस के काम से जब भी बाहर निकल जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर ले आते हैं, और गर्मियों में मैं इस तरह की चीज़ें मना करती हूँ बाहर से ज़्यादा कुछ लाने की, बट वो है ना कि जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ जो है ले ही आते हैं, कभी फ्रूट्स वगैरह तो कभी इस तरह की चीज़। मैंने कहा तो चलिए अब ले ही आए हैं तो खा लेते हैं। और इसके बाद फिर जो है थोड़ी सब्जी रखी है तो अलग से फिर सब्जी मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आधा पेट तो इसी से भर जाएगा। वैसे सोचा था कुछ बना लूँगी सूखी सब्जी बट फिर जो है मैंने नहीं बनाई, बस रोटी बना ली थी, सब्जी रखी हुई थी तो उतने से ही जो है हमारा काम चल गया था। तो चलिए फटाफट से चलते हैं पानीपुरी खा लेते हैं, इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक।